नमस्कार, स्टेट न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। चुनावी दौर जारी है। हरियाणा विधानसभा की सबसे ठंडी सीट माने जाने वाली कोसली विधानसभा अब गर्म होने लगी है। चाहे दूसरी पार्टियां हो या निर्दलीय प्रत्याशी, सभी ने एडी चोटी का जोर लगा दिया है। गांव चौकी नंबर 2 में निर्दलीय प्रत्याशी जगफूल यादव को भारी समर्थन मिला, जहां उन्हें लड्डुओं से तोला गया। आइए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। नमस्कार, स्टेट न्यूज हरियाणा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन और आज हम पहुंचे हैं चौकी नंबर 2 गांव में, जो कि कोसली विधानसभा का गांव पड़ता है। और यहां पे जगफूल यादव जी हमारे साथ हैं, जिनको इस गांव ने लड्डुओं से तोला है। आप देख सकते हैं कि लड्डू हमारे साथ मौजूद है और बाकी जो ये जनता है इसको भी आप देख सकते हैं। और इनसे हम जानेंगे कि किस लिए इन्होंने इनको समर्थन दिया है और क्या इनकी उम्मीदें इनसे हैं। पहले हम जगफूल जी से ही बात कर लेते हैं। सर, आपको इस गांव ने लड्डुओं से अभी तोला है, तो इस बारे में आप इस गांव को क्या कहेंगे? पत्रकार महोदय, इस गांव से मेरा कोई दल का रिश्ता नहीं, इस गांव से मेरा दिल का रिश्ता है। मैं सामाजिक काम होता तो सबसे आगे रहा करता है, धार्मिक काम होता तो सबसे आगे रहा करता है। आज उस बाबा झोड़ वाले ने ऐसी कृपा कर दी, आज पूरे गाँव से चाहे कोई भाई किसी भी दल से हो, हर भाई का मेरे ऊपर आशीर्वाद है। आज ये उमड़ता जन सैलाब इस बात को सिद्ध कर रहे हैं, आके आज मेरे गांव ने बहुत भारी आशीर्वाद दे करके मुझ जैसे साधारण परिवार के बच्चे को बड़ी हौसला अफजाई की है। कहीं लड्डुओं से तोला जा रहा है, कहीं तलवार भेंट की जा रही है, कहीं धनुष भेंट किया जा रहा है, तो मुझे मेरी अंतरात्मा में बड़ा भरोसा है कि जरूर कोसली हल्के की जनता को परमपिता परमात्मा कुछ और नया देने को जा रहा है। मैं इसीलिए आपको इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ। आप बता रहे हैं अभी कि आपको इतना समर्थन मिल रहा है, कहीं कुछ मिल रहा है, कहीं कुछ मिल रहा है, तो इसको देखते हुए आपको क्या लग रहा है? इसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि जैसे जिला परिषद के चुनाव में मेरी बहुत बड़ी जीत हुई है, जो 8000 की जीत है, पूरे हरियाणा प्रदेश में प्रथम पोजीशन है। मुझे हालात और परिस्थितियों से ऐसा लगता जा रहा है कि परमात्मा उस इतिहास को दोबारा दोहराने का काम कर रहा है। शायद पूरे हरियाणा प्रदेश में कोसली हल्के की जनता कोसली विधानसभा क्षेत्र से मुझ जैसे साधारण परिवार को पूरे हरियाणा प्रदेश में सबसे बड़ी जीत हासिल करके उस विधानसभा में भेजने का काम किया करने जा रही है। मुझे जरूर ऐसा अनुभव हो रहा है मेरे उमड़ते जन सैलाब को देख करके। सर, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक बात कही कि जेजेपी पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, जबकि आप एक प्रबल दावेदार के रूप में वहां मौजूद थे, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि एक दूसरे कैंडिडेट को दे दिया गया? पत्रकार महोदय, मेरा मेरे ना किसी नेताओं से कोई मलाल नहीं है, लेकिन इस बात को सच्चाई से अवगत कराना चाहूँगा। मैं तो उस पार्टी का जब से सिपाही हूँ, जब उनका हड़का निशान हुआ करता था, उसके बाद उनका मशाल का निशान आया, उसके बाद उनके चश्मे का निशान आया, उसके बाद उनके चाबी का निशान आया, और फिर भी मेरे जैसे मजबूत कैंडिडेट को टिकट से वांछित रखा गया। मैंने उसी दिन अपना मन बना लिया था, भाई दुष्यंत जी चौटाला जी से हाथ मिला के और खुश होकर के मैं आया था, लेकिन मैंने अपना भाग्य आजमाना था। जिस दिन फार्म भरा उस दिन कुछ बात और दी, आज उमड़ता जन सैलाब और हर रोज जुड़ता कारवा इस बात को सिद्ध कर रहा है। मेरा किसी भी नेता से कोई द्वेष नहीं है, मेरे पार्टी के नेता आज भी मेरे आदर्श आदरणीय है, विपक्ष के जो नेता हैं वो भी मेरे आदर्श आदरणीय है, किसी नेता से मेरा कोई मलेश द्वाल नहीं है। अपना कर्म करना मेरा काम है, फल देना परमात्मा का काम है। धन्यवाद सर। गांव के भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं। सर, आप बताइए कि आपके गांव के अंदर इनको लड्डुओं से तोला गया है, तो आपके गांव से कितना आप समर्थन इनको दे रहे हैं? देखना जी, हमारे सभी ग्रामवासियों ने इनकी कार्यशैली देखी है, ये पढ़े लिखे हैं, ईमानदार हैं और हमारे गाँव के हर प्रकार के सुख और दुख में मौजूद रहते हैं। गांव से दिल का रिश्ता सभी ग्रामवासियों का इनसे जुड़ा हुआ है। जिस भाई को भी जैसे जैसे पता लगता गया कि आज का कार्यक्रम है, अपने आप ही कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते गए और बढ़ चढ़ कर भाग लेते गए। और जहाँ तक जो ग्रामवासियों का जोश हम देख रहे हैं, इसमें हम मतलब गर्व के साथ कह सकते हैं कि बहुत बड़े बहुमत से चौकी गाँव से विजयी होकर जाएंगे। सर, आप भी एक युवा हैं और युवाओं को बहुत सी अपेक्षाएँ होती हैं किसी से, तो आपको इनसे कितनी अपेक्षाएँ और क्या कहें? आज का जो युवा है हमारे गांव तक का, तो हमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। हमारे गांव के युवा की मांग है भाई जगफूल यादव अब की बार। जी, किस लिए जगफूल यादव? अच्छा आदमी है, शिक्षित है, हर कार्यक्रम में शामिल होते हैं, सुख दुख में आते हैं, हर आदमी की इज्जत करते हैं और छोटे बड़े की सभी की, माता बहन की सभी की इज्जत करते हैं। धार्मिक कार्यक्रमों में अपने इससे पहले जिला परिषद में उप जिला प्रमुख हैं, अभी भी हैं, उसमें भी इन्होंने अपनी बजट से 2-3 बार गांव की में 3-4 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी है और हम तो यही उम्मीद करेंगे आगे भी देते रहेंगे। इससे पहले काफ़ी MP MLA आए जिन्होंने हमें 1 रुपये का भी, हमें 1100-2100 रुपए के लिए हमें उनके पीछे पीछे डोलना पड़ता था। आज हमारे गाँव का जो बाबा झोड़वाला जो धाम है वो बता रहा है कि भाई जगफूल का इसमें कितना योगदान है।
हमारे साथ बुजुर्ग भी मौजूद हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं। बाबा आप बताइए, आप जगफूल जी के साथ क्यों हैं? मैं तो एक बात बताऊंगा। जी बताओ। मेरे पिताजी 104 साल के हैं, इस गांव में घर आए थे, गांव में आए थे किसी फंक्शन में क्या किसी विवाद में, मेरे पिताजी ने इनको आशीर्वाद दिया था कि बेटे कर काम जरूर सफल होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर आप बताइए, आप भी शायद इसी गांव के सदस्य हैं। देखो जी, तो आप लोग क्यों इनको समर्थन दे रहे हैं? हम ये सारा गांव और मैं तो कहूँगा इलाका ही समर्थन दे रहा है। इतने योग्य और समझदार और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जो हर गांव में जाते हैं, जहां भी बड़ी इज्जत और उनसे काम करते हैं, इसलिए गांव भी और इलाका भी पूरा समर्थन दे रहा है इनको। जी धन्यवाद सर। तो आप देख सकते हैं कि पूरे गाँव की तरफ से लोगों ने बोल दिया है कि ये भी पूरा गाँव जगफूल यादव जी को समर्थन देने के लिए तैयार है। मैं अपने सहयोगी राकेश यादव के साथ अमित अमन, स्टेट न्यूज हरियाणा।